कांग्रेस के 85वें राष्ट्रीय महाधिवेशन का आज दूसरा दिन है। नवा रायपुर में चल रहे इस अधिवेशन में कल पहले दिन स्टीयरिंग कमेटी की बैठक हुई, जिसमें कार्य समिति चुनाव पर चर्चा की गई। साथ ही पार्टी के संविधान में संशोधन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा हुई। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित पार्टी के कई बड़े नेता इसमें भाग ले रहे हैं। अधिवेशन के दूसरे दिन आज पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के पहुंचने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उनका स्वागत किया। अधिवेशन को पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने संबोधित करते हुए कहा कि उनको लगातार सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का सहयोग मिला है। उन्होंने कहा कि बीते 25 सालों में बहुत कुछ अच्छा रहा, लेकिन कुछ बुरा अनुभव भी मिला। सोनिया गांधी ने अपने अनुभव पार्टीजनों से साझा किए। We faced a difficult struggle ahead, and at this crucial time, each one of us bears a special responsibility towards our party and towards our country. The Congress is not just a political party. We are the vehicle through which the people of India fight for liberty, equality, fraternity and justice for all. और अधिवेशन के दौरान कांग्रेस के संविधान में कई प्रमुख बदलावों को मंजूरी दी गई है। इसमें AICC सदस्यों की संख्या 1240 से बढ़ाकर 1653 कर दी गई है। 50% पदों पर 50 साल से कम आयु को प्रतिनिधित्व देना और 50% पदों को अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग और आदिम जाति जनजाति के लिए आरक्षित रखने का महत्वपूर्ण निर्णय शामिल है। गौरतलब है कि कल अधिवेशन का अंतिम दिन है और अंतिम दिन राहुल गांधी का संबोधन होना है। इसके बाद आखिर में राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे भाषण देंगे। अधिवेशन की बैठक के बाद रैली और जनसभा के कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा।